चढ़दी कला टाइम टीवी दे तमाम दर्शकों नूं वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। श्री हर कृष्ण ते आई है जिस डिठ है सब दुख जाए। श्री गुरु नानक देव जी दे अठवें रूप ते बाल गुरु धन धन श्री गुरु हरकृष्ण साहब जी का गुरता गद्दी दिवस पिछले दिन ही बड़ी श्रद्धा ते उत्साह नाल मनाया गया। इस मौके श्री गुरु हरकृष्ण पब्लिक स्कूल शांति नगर अर्बन एस्टेट फेज़ 2 पटियाला विखे विशेष धार्मिक समागम का आयोजन किया गया, जिस विच वड्डी गिणती विच संगतां नतमस्तक होईयां ते इलाही बाणी का कीर्तन सरवण करके अपना जीवन सफला किया। जाक गुगा
धार्मिक समागम दौरान श्री गुरु हरकृष्ण पब्लिक स्कूल दियां विद्यार्थणां ने प्रभावशाली वार दा गायन कीता। वाहे गुरु जी का खालसा, वाहे गुरु जी की फतेह। अज असि श्री गुरु हरकृष्ण साहिब जी बारे एक वार पेश करन जा रहे हां। बड़े प्यार नाल सरवण करो जी। दुखी मजलू मादा गया ना दुख चलिया, गुरु हरे कृष्ण मेरा दिल्ली वाल चलिया, बालड़ी सी उमर नदान मेरे गुरु दी, जग विच उच्ची सी शान मेरे गुरु दी, जग विच उच्ची सी शान मेरे गुरु दी, शीतला दा कैर जद दिल्ली विच छा गया, बाल गुरु मेरा उत्थे रब बने आ गया, हथी कीती सेवा सी महान मेरे गुरु, जग विच उच्ची सी शान मेरे गुरु दी, जग विच उच्ची सी शान मेरे गुरु दी, रोगियां दा रोग ना अपने ते ले लिया, छोटी जेही उम्र विच एना दुख सह लिया, बड़ी कुर्बानी सी महान मेरे गुरु दी, जग विच उच्ची सी शान मेरे गुरु दी, जग विच उच्ची सी शान मेरे गुरु दी, बंगले च जल वाली खुई नू बनाया सी, सारी दुनिया दा ना दुख वंडाया सी, जल वाली खुई सी महान मेरे गुरु दी, जग विच उच्ची सी शान मेरे गुरु दी, जग विच उच्ची सी शान मेरे गुरु दी, जग विच उच्ची सी शान मेरे गुरु दी। वाहे गुरु जी का खालसा, वाहे गुरु जी की फतेह। समागम दौरान भाई साहब भाई हरजिंदर सिंह ते भाई साहब भाई सतनाम सिंह दे प्रसिद्ध रागी जथे ने भी इलाही बाणी दा कीर्तन कीता।
हरकिशन पब्लिक स्कूल शांति नगर पटियाला दे विद्यार्थियों ने मिठे शब्द का गायन करके संगतां नूं निहाल कीता। जय जयकार जय जयकार जय जयकार करे सब कोई, जय जयकार जय जयकार जय जयकार करे सब कोई। हर मन तन बसे आसोई, हर मन तन बसे आसोई, जय जयकार करे सब कोई, 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 जय जयकार जय जयकार जय जयकार करे सब कोई, जय जयकार जय जयकार जय जयकार करे सब कोई। गुरपुरे की वडियाई, गुरपुरे की वडियाई, ताकि कीमत कहीं न जाई, ताकि कीमत कहीं न जाई, ताकि कीमत कहीं न जाई, ताकि कीमत कहीं न जाई। सोजस तेरा गावे, सोजस तेरा गावे, श्री हरि कृष्ण ते आइए, श्री हरि कृष्ण ते आइए, इस डीठे सब दुख जाए, श्री हरि कृष्ण ते आइए, श्री हरि कृष्ण ते आइए, सोजस तेरा गावे, जय जयकार जय जयकार जय जयकार करे सब कोई, जय जयकार जय जयकार जय जयकार करे सब कोई। तू पारो स्वामी मेरा, तू पारो स्वामी मेरा, संता परवासा तेरा, संता परवासा तेरा, संता परवासा तेरा, मुख निंदक के छाई, मुख निंदक के छाई, मुख निंदक के छाई, मुख निंदक के छाई, जय जयकार जय जयकार जय जयकार करे सब कोई, जय जयकार जय जयकार जय जयकार करे सब कोई। हर मन तन बसे आसोई, हर मन तन बसे आसोई, जय जयकार करे सब कोई, 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 जय जयकार जय जयकार जय जयकार करे सब कोई, जय जयकार जय जयकार जय
जय जयकार करे सब कोई, जय जयकार करे सब कोई। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। श्री गुरु हरकृष्ण पब्लिक स्कूल पटियाला दे विद्यार्थियों सुखनदीप सिंह ते रॉबिनदीप सिंह ने श्री गुरु हरकृष्ण साहब की सिफत सलाह विच एक कविता पेश की। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। अज असी तुहाडे सामने एक कविता पेश करन जा रहे हां, जिसका सुलेख है बाल गुरु हरकृष्ण। सिख धर्म ने सिद्ध किया है बाल गुरु भी हो सकता है, जेड़ा तेरे हृदय अंदर घर ज्ञान दी लो सकता है। बचपन विच ही हरकृष्ण दे कोटक वड्या वाले सन, दूरों नेरे कुल श्रद्धालु जुड़दे आनंद वाले सन। जिसने आके दर्शन किते उसदे दुखड़े दूर होए, जिसनु छो प्राप्त हो गई उसदे रोग का फूर होए। लाल चंद पंडित ने सुन ली सतगुली वड्याई सी, उस हंकारी अदरो एदा बोल पई वताई सी। बच्चा हुंदा ज्ञानवान नहीं हो सकता अवतार नहीं, बालक कोई गुरु बन जावे मैं मनन नु तैयार नहीं। आखन लगा श्री कृष्ण ने गीता आप उचारी सी, द्वापर दाओ कृष्ण मुरारी जिसने दुनिया तारी सी। आज ओ कृष्ण दी गीता देही करके अर्थ विखा देवे, जे ओ सचमुच गुरु है पूरा ता ज्ञान रमी बढ़ा देवे। सुन के श्री गुरु हर कृष्ण ने पंडित ताई बुलाया सी, तोड़न लई हंकार उसदा इस तरह फरमाया सी। पंडित जी जे साडी मने तुसानु नेक सलाह देवा, मन मर्जी दा बंदा लियाओ गीता अर्थ करा देवा। ए सुन के लालू पंडित डाडा खुशी च आया सी, ते ओ गुंगा छज्जू चीवर पाल के नाल ले आया सी। छज्जू चीवर उत्ते सतगुर मेहर दी नजर टिकाई सी, नाले ओना छोटी उसे सिर दे नाल छुआई सी। छज्जू होरा गीता पढ़ के हरी कर सुना दिता, लाल वर्णत होरा नूस चक्रा दे विच पा दिता। गुरु हरकृष्ण दी छोटी अंदर एहो जेही समर्था सी, लाल चंद ने उनाते आप टेकिया मथा सी। कोमल सिख गुरु दा बनया ओ सेवक श्रद्धालु सी, धन श्री गुरु हरकृष्ण जी पूरन गुरु दयालु सी, पूरन गुरु दयालु सी। वाहे गुरु जी का खालसा, वाहे गुरु जी की फतेह। गुरु का दर्शन देख देख जीवा, गुरु के चरण तोए तोए पीवा। इस शब्द का गायन कर रहे ने भाई कुलबीर सिंह जी फाजिलका वाले ते उन्हां दा रागी जथा। गुर का दर्शन देख देख जीवा, गुर का दर्शन देख देख जीवा, गुर का दर्शन देख देख जीवा, गुर का देख जीवा, गुर का दर्शन देख देख जीवा। तिस गुर को सिमरो सास सास, गुर को सिमरो सास सास, गुर को सिमरो सास सास। गुर मेरे प्राण सतगुर मेरी राह, गुर मेरे प्राण सतगुर मेरी राह, गुर मेरे प्राण सतगुर मेरी राह, गुर मेरे प्राण सतगुर मेरी राह। दर्शन गुर का दर्शन देख देख जी सारे पढ़ो।
दर्शन दर्शन देख देख जीवा देख देख जीवा देख देख जीवा गुरु का दर्शन देख देख जीवा गुरु का दर्शन देख देख जीवा गुरु का दर्शन जीवा श्री हर कृष्ण ते आइए जिस डिठ है सब दुख जाए। श्री गुरु नानक देव जी दे अठवें रूप ते बाल गुरु धन धन श्री गुरु हरकिशन साहब जी का गुरता गद्दी दिवस पिछले दिनी बड़ी श्रद्धा ते उत्साह नाल मनाया गया। इस मौके श्री गुरु हरकिशन पब्लिक स्कूल शांति नगर अर्बन एस्टेट फेज़ 2 पटियाला विखे विशेष धार्मिक समागम का आयोजन किया गया, जिस विच वड्डी गिणती विच संगतां नतमस्तक होईयां ते इलाही बाणी दा कीर्तन सरवण करके अपना जीवन सफला कीता। इस मौके श्री गुरु हरकिशन पब्लिक स्कूल दे विद्यार्थियों ने एक धार्मिक गीत ते कविता भी पेश कीती। Thank you.
रखो। गुरु रूप गुरु प्यारी सास संगत जी, आओ गज वज के फतेह बुलाइए। वाहे गुरु जी का खालसा, वाहे गुरु जी की फतेह। आज थोड़े सामने एक कविता पेश करन जा रहे हां, जिदा सुरलेख है, बंगला साहिब तो दाता है सब दीप चोली पर जांदी। अठवें गुरु नानक नजर तेरी, अठवें गुरु नानक नजर तेरी, जरिया नू सूरज कर जांदी, सुक जांदे दरिया पीड़ां दे, जिन सड़दी सड़दी ठर जांदी, जिन सड़दी सड़दी ठर जांदी। एह जिंदगी बेड़ी सुख दुख दी, कद डुब जांदी कद तर जांदी, एक बूंद तेरे चरना मत दी, दुख जन्म जन्म दे हार जांदी, दुख जन्म जन्म दे हार जांदी। मेरे बाला प्रीतम छड़ी तेरी, गुंगिया नू ज्ञानी कर जांदी, तेरे बंगला साहेब तो दाता है सब दी चोली पर जांदी, है सब दी चोली पर जांदी। अठवें गुरु नानक नजर तेरी, तेरा बंगला सोमा खुशियां दा, तेरी बख्शिश दा भंडार गुरु, तेरे दर ते जो भी आ जांदा, रहंदा नहीं फिर लाचार गुरु, रहंदा नहीं फिर लाचार गुरु। श्री गुरु हरकृष्ण साहिब दे गुरता गद्दी दिहाड़े नूं समर्पित इस विशेष धार्मिक समागम विच श्री दरबार साहिब अमृतसर दे हजूरी रागी भाई साहब भाई दविंदर सिंह ने भी इलाही बाणी नाल संगतां नूं निहाल कीता। दुख पंगल तेरा नाम जी, दुख पंगल तेरा नाम, आठ पैर अराती है, आठ पैर अराती है, पूरन सत गुर ज्ञान, पूरन सत गुर ज्ञान, दुख पंजन तेरा नाम जी, दुख पंजन तेरा नाम, दुख पंजन तेरा नाम जी, दुख पंजन तेरा नाम। जित कट वसै पार ब्रह्म, सोई सुहावा था, जित कट वसै पार ब्रह्म, सोई सुहावा था, जम कंकर ने नयाई रसना हर गुण गा, जम कंकर ने नाई रसना हर गुण गाओ, रसना हर गुण गाओ, रसना हर गुण गाओ,
मुख पंजन तेरा नाम जी, दुख पंजन तेरा नाम, दुख पंजन तेरा नाम जी, दुख पंजन तेरा नाम। सेवा सुरत न जानिया ना जापे अराद, सेवा सुरत ना कोट तेरी जग जीवन मेरे ठाकुर अगम अगाद, मेरे ठाकुर अगम अगाद, मेरे ठाकुर अगम अगाद, दुख पंजन तेरा नाम जी, दुख पंजन तेरा नाम, दुख पंजन तेरा नाम जी, दुख पंजन तेरा नाम। कृपाल गसैया नठे सो संताप, पै कृपाल गसैया संताप, तपीवा न लगी सतगुर रखे आप, सतगुर रखे आप,
सतगुर रखे आप, सतगुर रखे आप, दुख पंजन तेरा नाम जी, दुख पंजन तेरा नाम, दुख पंजन तेरा नाम जी, दुख पंजन तेरा नाम। गुरु नारायण दयो गुर, गुर सच्चा सिर जनहार, गुर नारायण दयो गुर, गुर सच्चा सिर जनहार, गुर तुटे सब किश पाया, जन नानक साध बलहार, गुर तुटे सब किश पाया, जन नानक साथ बलहार, जन नानक साथ बलहार, जन नानक साथ बलहार, दुख पंजन तेरा नाम जी, दुख पंजन तेरा नाम, दुख पंजन तेरा नाम जी, दुख पंजन तेरा नाम। सतगुर ज्ञान, पूरन सतगुर ज्ञान, दुख पंजन तेरा नाम जी, दुख पंजन तेरा नाम, दुख पंजन तेरा नाम जी, दुख पंजन तेरा नाम, दुख पंजन तेरा नाम, दुख पंजन तेरा नाम। औखी कड़ी ना देखण दे, औखी कड़ी ना देखण दे, अपना बिरद समाले, अपना बिरद समाले, औखी कड़ी ना
देखण दे औखी घड़ी ना देखण दे पाले सास रत पाले औखी घड़ी ना देखण दे औखी घड़ी ना देखण दे लाग रहो मेरा चीत प्रभु से लाग रहो मेरा चीत आदि अंत अब सदा सहाय तन हमारा मी देखण दे मन बिलास पै साहेब के अत्रज देख बड़ाई अत्रज देख बड़ाई हर सिमर सिमर आनंद करनानक प्रभु पूरन पैज रखाई प्रभु पूरन पैज रखाई औखी घड़ी ना देखण दे अपना बिरद समाले अपना बिरद समाले औखी घड़ी ना देखण दे ना देखण दे ना देखण दे इस विशेष समागम विच डॉक्टर इंद्रप्रीत कौर होरां ने अपनी सुरीली आवाज़ विच शब्द गायन करके संगतां नूं मंत्र मुग्ध कीता। जिसके सब दुख जाए
ਸ੍ਰੀ ਹਰਿ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਤੇ ਆਈ ਹੈ ਜਿਸ ਡਿੱਠੈ ਸਭ ਦੁੱਖ ਜਾਏ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਿਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਦਿਵਸ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਬੜੀ ਸ਼ਰਧਾ ਅਤੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਿਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਪਬਲਿਕ ਸਕੂਲ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਗਰ ਅਰਬਨ ਐਸਟੇਟ ਫੇਜ਼ 2 ਪਟਿਆਲਾ ਵਿਖੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਾਰਮਿਕ ਸਮਾਗਮ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਮਾਗਮ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਗਰੁੱਪ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਿਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਪਬਲਿਕ ਸਕੂਲਾਂ ਅਤੇ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਰਦਾਰ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਰਦੀ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਦਿਵਸ ਦੀ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਿਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਮਹਾਨਤਾ ਦਾ ਵਿਆਖਿਆਨ ਕੀਤਾ। 8ਵੇਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਗੁਰੂ ਹਰਿਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਾਵਨ ਅਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਗੁਰਪੁਰਬ ਦੀ ਹਾਰਦਿਕ ਵਧਾਈ ਹੋਵੇ। ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਬਾਲਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਅਸ਼ਟਮ ਬਲਬੀਰਾ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਿਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਹਰਿਰਾਏ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਗੱਦੀ ਦੇ ਕੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਿਤਾ ਦਾ 8ਵਾਂ ਵਾਰਸ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ, ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਗੁਰਪੁਰਬ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਮੈਂ ਵੱਡੇ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਾ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਰੂ ਹਰਿਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਇਤਨੀ ਚੰਗੀ ਕਿਸਮਤ ਵਾਲੇ, ਇਤਨੇ ਗਿਆਨਵਾਨ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਸਵੇਰੇ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਸਕੂਲ ਦੇ ਆਂਗਨ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਹਰਿਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਗੁਰੂ ਸਨ, ਭਾਵੇਂ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟੇ ਸਨ। ਗੁਰੂ ਹਰਿਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਾਲਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਗੁਰੂ ਹਰਿਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ 8ਵਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਹਰਿਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਅਸ਼ਟਮ ਬਲਬੀਰਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ 6ਵੇਂ ਗੁਰੂ, ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜੋ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਹੈ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ ਦੀਆਂ 2 ਤਲਵਾਰਾਂ ਪਹਿਨ ਕੇ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਕਿਸੇ ਰਾਜ ਨਹੀਂ ਹੱਥ ਲਗਾਇਓ, ਬੁੱਢਾ ਉਹ ਗੁਰਦਾਸ ਬਣਾਇਓ। ਇਹ ਜੋ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਮਿਸਤਰੀ ਨੇ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਇਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਆਪ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਅਤੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ 2 ਐਸੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਹੋਏ ਹਨ ਜੋ ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦਸਤੇ ਮੁਬਾਰਕ ਨਾਲ ਇਸ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਪਹਿਲੇ ਗੁਰੂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ 2 ਤਲਵਾਰਾਂ ਪਹਿਨਾ ਕੇ ਸੰਤ ਸਿਪਾਹੀ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਕਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਫੌਜ ਹੋਏਗੀ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਿੰਨੇ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਾਹ ਹੋਣਗੇ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਿੰਨੇ ਵੱਡੇ ਰਾਜਿਆਂ ਦੇ ਰਾਜੇ ਹੋਣਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ 1699 ਵਿੱਚ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਸੰਤ ਅਤੇ ਸਿਪਾਹੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਅਤੇ ਜੋ 4 ਜੰਗ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੀਤੇ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਮੁਗਲੀਆ ਫੌਜ ਨੂੰ ਭਾਈ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਜੀ ਵਰਗੇ ਗੁਰੂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਰਨੈਲਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਉਤਾਰ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ ਵਿੱਚੋਂ ਭਜਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਫਤਿਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਹ ਕਮਾਲ ਦੀ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਗਾਥਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਜੋ ਗੁਰੂ ਪੰਚਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਸ ਵਿੱਚੋਂ ਜੋ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਸਰੂਪ ਨਿਕਲਿਆ ਸੀ ਉਹ ਸੰਤ ਅਤੇ ਸਿਪਾਹੀ ਵਾਲਾ ਸੀ। ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰੂ ਹਰਿਰਾਏ ਸਾਹਿਬ 7ਵੇਂ ਗੁਰੂ ਬਣੇ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਹਰਿਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਅਸ਼ਟਮ ਬਲਬੀਰਾ ਸਨ, ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਜਰਨੈਲ ਸਨ ਕਿ 5 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਜੋ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਆਰਮੀ, ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਫੌਜ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਸਦੇ ਜਰਨੈਲ ਗੁਰੂ ਹਰਿਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਣੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਰ ਵੇਲੇ 2200 ਘੋੜ ਸਵਾਰ ਹਰ ਵੇਲੇ ਤਿਆਰ ਬਰ ਤਿਆਰ ਗੁਰੂ ਹਰਿਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਅਤੇ ਇਤਨੀ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਕੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਵਰਗੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੁਸ਼ਟ ਅਤੇ ਜ਼ਾਲਮ ਕਹਿ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੇ ਗੁਰੂ ਹਰਿਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਬੁਲਾਇਆ
गुरु हरकृष्ण साहब दिल्ली चले गए, गुरु हरकृष्ण पातशाह ने उस नूं मिलन तों इनकार कर दिता। तां फिर औरंगजेब दे मन दे विच इह इच्छा पैदा होई कि मैं आप जाके गुरु हरकृष्ण पातशाह दे दर्शन करके आवां। जिन्हां बच्चों ने गुरुद्वारा बंगला साहब दे दर्शन किए हैं उन्हां बच्चों नूं पता होगा कि यह बंगला साहब औरंगजेब दे राजा जय सिंह का बंगला सी। औरंगजेब लाल किले तो उठ के गुरु हरकृष्ण पातशाह के दर्शन करने लई बंगला साहब विखे आ गया। अद्धी घड़ी दरवाज़ा खड़कांदा रहा कि गुरु हरकृष्ण साहब बेनतियां करता रहा कि मैं तुहाडे दर्शन करना चाहता हाँ, लेकिन गुरु हरकृष्ण पातशाह ने उसनु दर्शन देने तो उसनु मिलन तो इनकार कर दिता। ये मैं तुहानू इस करके सुना रहा हाँ कि गुरु हरकृष्ण साहब की बहादुरी, गुरु हरकृष्ण साहब की निडरता निरपैता तुहानू पता लग जाए, क्योंकि उन्होंने वड्डे भरा राम राय ने 72 करामाता औरंगजेब नूं दिखाईआं सन। वह करामाता कहड़ियां सन कि राम राय जिथे मजनू का टिल्ला गुरद्वारा है, जिथों असी दिल्ली विच एंटर करते हाँ, उस थान के उत्ते उसका डेरा सी। हर रोज़ औरंगजेब के दरबार में जाके वह करामाता दिखा के उसनूं प्रभावित करता सी। सब तो वड्डी करामात वह करता सी कि एक सुंदर पालकी दे विच, सजी हुई पालकी दे विच अपने हज़ारां लोकां दे नाल, मुगलियां फौजां दे नाल वो पालकी सजा के उस पालकी च बैठ जांदा सी। उस पालकी नूं कोई भी इंसान नहीं चुकदा सी, वो पालकी धरती उत्तों उठदी सी अते अपने आप वो पालकी उड़दी उड़दी लाल किले विच औरंगजेब दे दरबार विच पहुँच जांदी सी। इस तरह दियां करामातां वो हवा विच उड़ के जादू दिखा के वह औरंगजेब नूं प्रभावित करता सी। उसकी पालकी किन्ने मील का इलाका तय करती हुई उड़ती हुई हवा दे विच वह पालकी दे विच बैठा हुंदा सी, आके दिखांदा सी। क्योंकि सिख धर्म विच गुरु नानक पातशाह तो लैके गुरु गोबिंद सिंह महाराज ने करामात नूं जहर दा करार दिता सी, लेकिन राम राय ने अपने गुरु साहब की अपने पिता जी की हुकम अदूली करके वह पालकी दे विच हवा च उड़ के आंदा सी अते औरंगजेब के दरबार में जाके 72 करामाता इस तरह दियाँ होर दिखाता सी। इसलिए गुरु महाराज साहब ने उसू गुरु नानक साहब की गद्दी का वारस नहीं बनाया, सगों 5 साल 3 महीने की उम्र के छोटे जे गुरु हरकृष्ण साहब न बख्शिशा दे के गुरु नानक पातशाह की वड्डी वड्याई दे के उन्होंने गुरु नानक साहब की जोत जगा के अज के दिन 7वें पातशाह ने आप गुरु हरकृष्ण साहब न अपने छोटे जे बेटे 5.25 साल के बेटे हरकृष्ण नूं गद्दी उत्ते बिठा के गुरु हरकृष्ण बना दिता सी। तो अज का दिन साढ़े इतिहास विच साढ़े जीवन विच सब तो इंपॉर्टेंट दिन है, क्योंकि असी हर रोज़ गुरु हरकृष्ण साहब के गुणों का गायन करते हाँ। श्री हरकृष्ण ते आई है जिस डिठै सब दुख जाए, साडा गुरु इतना वड्डा है कि जो भी उसके दर्शन कर लैंदा है उसका एक नहीं सगों सारे दे सारे दुख दूर हो जाते हैं। इसलिए प्यारे बच्चियो, नानक नाम चढ़दी कला तेरे भाणे सरबत दा भला दा जो आदेश है, दा जो संकल्प है, जिस नूं असी आधार बना के सिख कौम नूं एक बख्शिश वाला धर्म मनते हाँ। क्योंकि सिख धर्म मूल मंत्र जदों असी पाठ करते हाँ, एक ओंकार सतनाम करता पुरख निरभउ निरवैर अकाल मूरत अजूनी सहभंग, ये असी वाहगुरु के गुणों का गायन करते हाँ। अते उस तो बाद सानू की मिलता है, सानू गुरप्रसाद मिलता है। गुरप्रसाद का मतलब गुरु नानक के घरों बख्शिश मिलती है। इसलिए प्यारे बच्चियो, गुरु नानक का धर्म बख्शिश का धर्म है, अते गुरु हरकृष्ण पातशाह का स्नेहा सारे संसार के लोगों के भले का है, क्योंकि एक ऐसा गुरु है दुनिया के विच सब तो छोटी उम्र का जो संसार का सब तो वड्डा गुरु है, अते वो गुरु बख्शिशां का भंडार है, सरबत का भला करन वाला है, दुखां कलेशां बीमारियां का नाश करन वाला है। ज्ञान ध्यान किस कर्म न जाना सार न जाना तेरी, सब ते वड्डा सतगुरु नानक जिन कल राखी मेरी। गुरु हरकृष्ण साहब भी सतगुरु नानक हन, उन्हां विच गुरु नानक पातशाह की जोत इलाही जोत जग रही है। समागम विच विशेष मेहमान वजों पहुंचे पटियाला तो लोक सभा मैंबर महाराणी परनीत कौर
उन्हां दी सपुत्री बीबा जयेंद्र कौर, PRTC दे चेयरमैन श्री KK शर्मा ते पटियाला दे मेयर श्री संजीव शर्मा बिट्टू दा सन्मान भी कीता गया। इस मौके संबोधन करदिआं महाराणी परनीत कौर होरां ने कहा, वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। बहुत ही सत्कारयोग जगजीत सिंह दर्दी जी, उन्हां दे घरों जसविंदर जी, प्रिंसिपल साहब, सारी टीम, टीचर्स दी अज इस फंक्शन ते आए हुए। बहुत सत्कारयोग साडे चेयरमैन PRTC दे KK शर्मा जी, साडे पटियाले दे फर्स्ट सिटीजन मेयर संजीव शर्मा जी, साडे बहुत ही करीबी, बहुत देर तो परिवार दे नाल जुड़े हुए टोनी बिंद्रा जी, और सारे इत्थों दे प्यारे बच्चे। इन्हां दे विच मेरी बेटी जयेंद्र कौर जी जो मेरे नाल आए हैं, मैं धन्यवाद करती हूँ। मेरे नाल मेरे दफ्तर तो बलविंदर जी, रोमांचक जी आए ने, इन्हां दे साथ दे नाल सारा काम चलता है। जगजीत जी, एक बारी फिर तुसी बहुत वधिया तरीके दे नाल जो गुरु साहब दी गुरगद्दी दिवस अज मना रहे हो, जिन्हां दे नाम दी छतर छाया हेठ थोड़ा ये स्कूल चलता है गुरु हरकिशन पब्लिक स्कूल, थानू इस दिहाड़े दी लख लख वधाई होए। पहली बारी नहीं आई, पर हर वक्त जब मैं आंदी हैं, और खास करके बच्चियां दा प्रोग्राम होए, और वो भी एह जे इंस्टीट्यूशन दे विच जेड़ी अपनी धर्म दी परंपरा, अपने देश दी परंपरा सिखाण, जिस तरह कहा कि हर सवेरे गुरु हरकिशन जी दी शान दे विच सारे बच्चे प्रार्थना करदे ने, ओ एक बहुत वड्डी गल है अज दे युग दे विच। और मैनू पूरा यकीन है कि ये संस्कार जो इत्थों सिखणगे, तुसी सारे बच्चे जिहड़े इत्थे बैठे हो अपने घरां दे विच लै के जाओगे, और बड़े हो के जद अपनी अपने स्थान जिम्मेवारी दी तुसी लोगे इस संसार दे विच, तुसी बहुत वधिया इंसान और नागरिक बन के वो निभाओगे। बोले हिस्ट्री बड़ी सारी सुनाई जगजीत सिंह जी ने, किताबां भी इन्हां ने लिखियां, बहुत कुछ कीता सिख धर्म दे लई, पंजाब दे लई, इन्हां दा धन्नवाद। और अज मेयर साहब भी इत्थे हैं, KK शर्मा जी इत्थे है, मेरी बेटी इत्थे है टोनी जी ने। मैं इन्ना कहना चाहती हूँ कि जेड़ा इन्हां दे घर दे विच एक बेटाइमी बहुत ही दुखदायक सतवीर जी दा गुरु साहब ने पहले बुला लिया, चले गए। उन्हां दी याद दे विच स्कूल और इन्हां दी फैमिली वालों तो बहुत कुछ हुंदा है, पर एक शहर वालों रिक्वेस्ट आई थी, और अज मैनू खुशी है मेयर साहब की हजूरी दे विच मैं ये ऐलान कर रही हूँ कि जो प्रेस रोड दे नाल एक बहुत वधिया पार्क बनाया है, वो सतवीर सिंह दर्दी जी दे नां दे उत्ते मेमोरियल पार्क एक बोले ओ पाक दा नाम रख्या जाऊगा। इन्हां दे परिवार दा बहुत बहुत धन्नवाद कि मैनूं अपने एक परिवारिक मैंबर समझ के अज इत्थे बुलाया, और मैं थोड़े इस फंक्शन दे विच गुरु साहब दी शान दे विच इहदे विच मैं हिस्सा पा सकी। बहुत बहुत धन्नवाद,
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇਹ ਹੈ ਮਹਾਰਾਣੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਿਲ ਦੀ ਹੋਕ ਔਰ ਪਿਆਰ ਸਤਵੀਰ ਦੇ ਜਾਣ 'ਤੇ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਹੋਇਆ। ਸਤਵੀਰ ਸਿੰਘ ਦਰਦੀ ਮੈਮੋਰੀਅਲ ਪਾਰਕ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਪਬਲਿਕ ਸਕੂਲ ਹੈ, ਉਹ ਉਸ ਪਾਰਕ ਦੀ ਮੇਨਟੇਨੈਂਸ ਦੀ ਸੇਵਾ ਸਾਰਾ ਖਰਚਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਪਬਲਿਕ ਸਕੂਲ ਕਰਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਮੇਅਰ ਸ਼੍ਰੀ ਸੰਜੀਵ ਸ਼ਰਮਾ ਬਿੱਟੂ ਨੇ ਸਰਦਾਰ ਸਤਬੀਰ ਸਿੰਘ ਦਰਦੀ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਕਾਇਮ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਪਾਰਕ ਲਈ ਮਹਾਰਾਣੀ ਪਰਨੀਤ ਕੌਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਬੈਠੀ ਸਾਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਜੋ ਅੱਜ ਮਹਾਰਾਣੀ ਪਰਨੀਤ ਕੌਰ ਜੀ ਨੇ ਅੱਜ ਇਹ ਅਨਾਊਂਸ ਕੀਤਾ ਹੈ ਪਟਿਆਲੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ, ਜਿਹੜੇ ਪਾਰਕ ਦਾ ਨਾਮ ਸਰਦਾਰ ਸਤਵੀਰ ਸਿੰਘ ਦਰਦੀ ਜੀ ਮੈਮੋਰੀਅਲ ਪਾਰਕ ਜਿਹੜਾ ਬਣਨ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਮਾਣ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰਹਿਨੁਮਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਣੀ ਪਰਨੀਤ ਕੌਰ ਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਪੁੱਡਾ ਦਾ ਇਹ 50 ਕਰੋੜ ਦਾ ਪਾਰਕ ਸੀਗਾ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਮਿਲਿਆ, ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੀ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੁਖੀਆਂ ਦੀ, ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਘਰ ਸਮਝਣ, ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਐਡੇ ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਫੈਸਲੇ ਕਰ ਸਕਣ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਧੰਨਵਾਦ ਵੀ ਕਰਦਾ ਅਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸੇਵਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਜਾਰੀ ਰਹੇ। ਇਸ ਮੌਕੇ PRTC ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸ਼੍ਰੀ KK ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ Time TV ਅਤੇ ਸਰਦਾਰ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਰਦੀ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਸਾਂਝ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਦਾ ਗੱਦੀ ਦਿਵਸ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਸਾਲ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰ ਆ ਚੁੱਕਿਆ ਨਾਲ, ਔਰ ਇਸ ਵਾਰ ਬੜੀ ਧੂਮਧਾਮ ਨਾਲ ਮਨਾ ਰਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਦਰਦੀ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੀ ਮੈਂ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਧਾਰਮਿਕ ਹੈ, ਗੁਰੂਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਔਰ ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਖਬਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਪਟਿਆਲੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਅਖਬਾਰ ਦਾ ਨਾਂ ਹੋਇਆ, ਔਰ ਮੈਂ ਲਗਾਤਾਰ ਪੜ੍ਹਦਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਔਰ ਜੋ ਤਰੱਕੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਸਬਕ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਸਭ ਕੁਝ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿ 2 ਕੱਪੜਿਆਂ 'ਚ ਆਏ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਵੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਮਿਹਨਤ ਮੁਸ਼ੱਕਤ ਕੀਤੀ ਔਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਲਿਖਾਇਆ, ਵੱਡਾ ਕੀਤਾ, ਔਰ ਅੱਜ ਵਾਕਈ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅਖਬਾਰਾਂ ਰਾਹੀਂ, TV ਚੈਨਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਔਰ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਤੋਂ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਚੈਨਲ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੀਰਤਨ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕ ਮੁਗਧ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਦਿਹਾੜੇ 'ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ ਔਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਬੁਲਾ ਕੇ ਮਹਾਰਾਣੀ ਪਰਨੀਤ ਕੌਰ ਜੀ, ਬੀਬਾ ਜੈਇੰਦਰ ਕੌਰ ਜੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਆਏ ਮੇਅਰ ਸਾਹਿਬ, ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਸਾਡੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਹੋਰ ਸਾਥੀ ਵੀ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਇੱਕ ਅਹਿਸਾਨ ਕੀਤਾ, ਸਾਨੂੰ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦਵਾਇਆ, ਇਹਨਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ Time TV ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸਰਦਾਰ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਦਰਦੀ ਨੇ ਚੈਨਲ ਦੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਦੀ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀਆਂ ਅਸੀਸਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਆ ਕੇ ਇਤਨੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਗਹਿਰਾਈਆਂ 'ਚੋਂ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਦੱਸਣਾ ਵੀ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ
सरदार जगजीत सिंह दर्दी होरां दी मेहनत, महाराणी साहब ते पटियाले घराने दे पूरे परिवार दे सहयोग दे नाल अज चढ़दी कला अदारा इंडिया दे विच जिथे पंजाब दे विच असीं स्कूलां कालजां ते टीवी राहीं विश्व भर विच पहुँच रहे हाँ, उत्थे सतगुरु दी बख्शिश दे नाल आउण वाला जिहड़ा नैक्सट सैशन है कैनेडा कैलगरी दे विच वी गुरु हरकृष्ण विद्यक अदारियां दा एक उत्थे वी जड़ा कॉलेज है वह खुल गया है अते उदियां एडमिशन भी शुरू हो गया हैं। अलबर्टा सर्च अलबर्टा रिसर्च सेंटर दे नाम तो अलबर्टा गवर्नमेंट दे नाल सहयोग करके उत्थे कैलगरी विखे जड़ा खोलिया जा रहा है वह एक एग्रोबेस रिसर्च सेंटर भी है नाल ही कमर्शियल स्टडीज़ का सेंटर है तो जिथे अलबर्टा सरकार फार्मर्स लई उन्होंने अपने बूहे खोले हैं अज साडे किसान भरा जो अपनी मंगा लई इत्थे बैठे हैं उन्होंने भी उतों एक ऐसा प्रोग्राम स्टार्ट किया कि दिल्ली के अपना एग्रो का अलबर्टा का एक स्पैशल दफ्तर खोल दिता गया है पंजाब के किसानों की मदद के लिए तो ये क्या भी कोई भी एक्सचेंज प्रोग्राम असी शुरू कर सकी क्योंकि अलबर्टा भी कणक का घर है वीट की जड़ी पैदावार है उत्थे काफ़ी होंगी है तो सरों दे सानू उन्होंने कहा भी नाल असी जड़ा होर उत्थे जड़ियाँ फसलां पैदा कर सकते हैं उसके लिए रिसर्च सेंटर जरा नाल खोलिया जा रहा है ये सतगुरु की बख्शिश के नाल अदारा चढ़दी कला वालों जरा उपराला नाल उत्थे शुरू होया है। श्री गुरु हरकृष्ण पब्लिक स्कूल शांति नगर अर्बन एस्टेट फेज़ 2 पटियाला के प्रिंसीपल डॉक्टर कंवलजीत कौर ने जिथे समूह संगतां ते विशेष मेहमान का धन्यवाद किया उत्थे सरदार जगजीत सिंह दर्दी की अगवाई हेठ सफलता नाल चल रहे श्री गुरु हरकृष्ण पब्लिक स्कूलों ते कॉलेजों की खासियत ते प्रदान की जा रही म्यारी सिक्ख्या बारे भी जानकारी दी। वालिए कुल आलम शब्द गुरु तन तन श्री गुरु ग्रंथ साहब जी की पावन पवित्र हजूरी जुड़ बैठी संगत आओ फतेह की सांझ करिए वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। आप समूह संगतान नू तन तन श्री गुरु हरकृष्ण साहब जी के गुरता गद्दी गुरपुरब दियां लख लख वधाइयां होन। ये गुरु हरकृष्ण साहब की मेहर का सदका है कि गुरु हरकृष्ण पब्लिक स्कूल की मैनेजमेंट से मेहर है कि स्कूल दिन दुगनी ते रात चुगनी तरक्की कर रहे ने। गुरु साहब की मेहर का सदका स्कूल गुरु हरकृष्ण पब्लिक स्कूल अगे सैकेंडरी लैवल तक सी हुणे सीनियर सैकेंडरी लैवल तक हो गया आर्ट्स कमर्स मैडिकल नॉन मैडिकल दे वास्ते हर सुविधा स्कूल दे विच दित्ती गई है। स्कूल दे विच वधिया साइंस लैब्स कंप्यूटर लैब्स मैथ लैब जोग्राफी लैब हर तरह की खेडन की व्यवस्था की गई है तो पेरेंट्स नू जान के बड़ी खुशी होएगी। साढ़े इस समय पटियाला शहर के विच ही 4 गुरु हरकृष्ण पब्लिक स्कूल ने इस तो इलावा लिटल मिलेनियम स्कूल ने कॉलेज भी चलते हैं तो हर स्कूल तो कॉलेज के वधिया सिक्ख्या दी जाती है जिथे गुरु हरकृष्ण साहब के सिक्ख्यावां नू बच्चों के साडा मूल मंतव बच्चों के अंदर नैतिक गुणों का विकास करना है ताकि असी गुरु हरकृष्ण साहब के दसे कदमां ते चल सकीए ते देश कौम ते बच्चे अपने माँ बाप का नाम रोशन कर सकन ये साडा मुख मंतव है। इसलिए सदा असी गुरु साहब अगे अरजोई करते हैं बेनती करते हैं कि इस मैनेजमेंट ते स्टाफ ते बच्चों ते सदा मेहर भरी दृष्टि बनाई रखन। समूह संगतां वालों एक बार फिर उन्हां दा दिल दी गहराइयां तो धन्नवाद ते उम्मीद करदी हां उन्हां दा सहयोग हमेशा दी तरह इसे तरह बनिया रहेगा ते असी अपने गुरां दे गुरपुरब रल मिल के मनांदे रहांगे। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतह। प्यारे दर्शको हुणे तुसी सरवण कर रहे सी धन धन श्री गुरु हरकृष्ण साहिब जी दे गुरता गद्दी दिवस दे मौके आयोजित समागम ते आधारित विशेष प्रोग्राम। हुण मैनूं इजाजत दिओ तुसी वेखदे रहो चढ़दी कला टाइम टीवी। वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह।